उधर यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र की कार्यवाही को 11 दिन 83 घंटे तक ही चली है। इस दौरान सदन की कार्यवाही में आधे घंटे तक के लिए स्थगित की गई थी। विधानसभा में आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। आज एक विशेष अदालत विधानसभा के अंदर लगाई गई, जिसमें 2004 में जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे एक प्रकरण में, उन सभी 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा। देखिए, 2004 में कानपुर में एक प्रकरण हुआ था जिसमें 6 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे और उनको आज 2023 में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सजा सुनाई। देखिए, इस विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रहा था ये कार्रवाई की गई थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद इस तरीके की सजा सुनाई गई है और आज रात 12 बजे तक विधानसभा परिसर के अंदर ही एक विशेष सेल है जहां पर इन सभी 6 पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा। हालांकि उन सारे जो मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, उन्होंने हृदय विदारक रखते हुए अपने दिल को ये कहा कि जितने भी सजा याफ्ता है उनकी सजा को कम कर दिया जाए या उनको विशेष खाने की व्यवस्था की जाए। तो आज रात 12 बजे तक ये सब विधानसभा परिसर के अंदर जो एक सेल बना हुआ है उसके अंदर ये पुलिसकर्मी रहेंगे और इनको खाने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। और साथ ही साथ जो विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस तरीके की परंपरा का विरोध करते हैं और विधानसभा से सभी लोगों ने आज के सत्र से वॉकआउट भी किया, क्योंकि इस परंपरा को वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हुए सभी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया और अखिलेश यादव ने इस परंपरा को गलत ठहराया। और वहीं सतीश महाना, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये परंपरा सही परंपरा है और कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करती है कि इस तरीके का दुर्व्यवहार, इस तरीके की घटनाएँ आगे आने वाले समय में ना हो। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलम। यूपी विधानसभा के आखिरी दिन एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सदन में कहा कि बजट नहीं बल्कि बजट का अनुमान है। सरकार का 2023 का जो पिछला बजट था उसमें से सिर्फ 50 से 55% ही बजट खर्च कर पाई है। आपने मुझे 2023-24 के बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मनोहर, इस बजट पर कई दिन से चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोग अपने गाल बजाने में व्यस्त है। अभी एक साथी कह रहे थे विपक्ष का काम है विरोध करना, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दिल्ली दिखा भी रहे क्या काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दो बात वो नहीं कह सकते, सत्ता में बैठकर दो बात नहीं कह सकते। उनकी वेदना और इस प्रदेश की वेदना को हम ही लोग कह सकते हैं और पक्ष से ज्यादा विपक्ष का दायित्व तो है जन समस्याओं पर बात लाना, सदनों में जनता की बात को उठाना, सदनों में सरकार के गलत कार्यों को बताना, सदनों में सरकार द्वारा भूल की गई बातों को बताना, ये विपक्ष का काम है। इसलिए हम अपने सत्ता पक्ष के भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम को अंदर से आप पसंद करते हैं और कभी लाबी में कभी कैंटीन में कहते हैं कि सही आप बोलते हैं, बहुत अच्छा लाल बिहारी जी, मान सिंह, आशुतोष सिन्हा जी, शाहनवाज जी, स्वामी प्रसाद जी, आपने बहुत अच्छा कहा। खैर, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता।